नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, टीम इंडिया ने कल बेहद ही शानदार और रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे पहली बात हर्षल पटेल, जिन्होंने गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी कराई और न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को एक के बाद एक झटके दिए, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के बैट्समैन उबर ही नहीं पाए। और दूसरी तरफ बल्लेबाजी में केएल राहुल ने जो शानदार खेल दिखाया, उसकी बदौलत टीम इंडिया को इस मैच में 1% भी परेशानी नहीं हुई इस मैच में जीत हासिल करने में। और रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी ने जो तूफानी पारियां खेली, उसके बाद तो बेहद ही ज़्यादा रोहित शर्मा ने केएल राहुल की तारीफ की है। तो रोहित शर्मा ने केएल राहुल की तारीफों में क्या बातें कही हैं, जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, केएल राहुल की कल अगर तूफानी पारी ना आती तो शायद टीम इंडिया एक बार फिर से परेशानी में पड़ सकती थी, क्योंकि जब भी जहां पर भी केएल राहुल ओपनिंग में अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो उसके बाद टीम इंडिया कई बार स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। और पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा था केएल राहुल और रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे तो क्या हुआ था। अब इसके बाद दोस्तों, टीम इंडिया ने कल जिस तरह की पारियां खेली हैं, इसके बाद केएल राहुल की बेहद ही ज्यादा तारीफ हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केएल राहुल के बारे में रोहित शर्मा ने कहा है कि यकीनन वो एक शानदार खिलाड़ी है। वो आने वाले दिनों में टीम इंडिया का न सिर्फ कप्तानी के लिए प्रबल दावेदार होगा, बल्कि टीम इंडिया के लिए वो ऐसी ही बहुत सारी मैच जिताऊ पारियां भी खेलेगा। इसके अलावा रोहित शर्मा ने केएल राहुल के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे गर्व होता है ऐसे खिलाड़ियों के साथ खेलने में जो हमारे साथ लय पकड़कर तो चले ही, साथ ही साथ हम लोगों के बीच का कॉन्फिडेंस ही बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम दोनों ही बहुत ही शानदार पार्टनरशिप करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कल केएल राहुल ने शानदार लय पकड़ी, यकीनन ये टीम इंडिया के लिए बहुत शानदार है और आने वाले दिनों में टीम इंडिया को ऐसी कई सारी मैच जिताऊ पारियां केएल राहुल खेलकर देने वाले हैं। अगर बात करें कि कल केएल राहुल और रोहित शर्मा ने कितने रन मारे, तो कल केएल राहुल ने 49 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली, तो वहीं रोहित शर्मा ने 36 गेंदों पर बेहद ही शानदार 55 रनों की पारी खेली। जहां केएल राहुल ने 65 रनों की पारी में 6 चौके और 2 छक्के जड़े, तो वहीं रोहित शर्मा ने 1 चौके के साथ साथ 5 छक्का भी। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि न्यूजीलैंड का सिर्फ एक ही गेंदबाज कल सफल रहा और वो थी टीम सऊदी, जिन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट झटका। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल केएल राहुल और रोहित शर्मा दोनों का ही विकेट टीम सऊदी ने लिया और सूर्य कुमार यादव का विकेट भी टीम सऊदी ने ही लिया। दोस्तों, कल रोहित शर्मा और केएल राहुल बेहद ही शानदार लय में तो नजर ही आए। इसके अलावा केएल राहुल और रोहित शर्मा ने कल 117 रनों की बेहद ही शानदार पार्टनरशिप की पहले विकेट के लिए, जहां केएल राहुल का विकेट 117 रनों पर गिरा, तो वहीं रोहित शर्मा का विकेट 135 रन जब भारत के हो चुके थे तब गिरा। तो इस तरह से टीम इंडिया ने केएल राहुल और रोहित शर्मा की शानदार पार्टनरशिप की वजह से महज 17.2 ओवर में ही इस मैच को जीत लिया। और इसके बाद रोहित शर्मा का मानना है कि अब उनका केएल राहुल पर जो विश्वास है वो और भी कई गुना बढ़ गया है और रोहित शर्मा को उम्मीद है कि केएल राहुल ऐसी एक या दो नहीं बल्कि अनगिनत पारियां आने वाले दिनों में खेलेंगे और टीम इंडिया को मैच भी जिताएंगे। तो क्या केएल राहुल के टैलेंट पर आपको भी इतना विश्वास है जितना रोहित शर्मा को है? कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।